भगवान बुद्ध के तरफ से दिहल गई पांचवा सील, जौन की कोनो तरह के नशीला चीज से बचाव खातिर होखेला और कोनो तरह के प्रमाद में जायली जगह से बचाव खातिर होखेला। बुद्ध के पांचवा सील, सूरा मेरा मज पमादत ठाना वेर मनी सिक्खा पदंग समाध्यामी। सूरा, सूरा माने की तरल नशीला पदार्थ जैसे कि शराब होला। मेरा, मेरा माने की ठोस नशीला पदार्थ जैसे कि सिगरेट भांग गुटखा खैनी इत्यादि ये सब चीज होखेला। और मज, मज माने की कोनो तरह के नशीला चीज खाए में पिए में लोग मदमस्त हो जाला, पागल हो जाला, वही में दिन रात डूबल रहेला। और पमादत ठाना, पमादत ठाना माने कि ऐसा जगह जहाँ लोग जाके नशीला चीज के सेवन करेला और तो और झुंड बना के जुगो खेले के शुरू कर देवेला। और वेर मनी सिक्खा पदंग समाध्यामी, मतलब कि आदमी जब प्रमाद में जाए लगेला, नशीला चीज के सेवन करे लगेला, तब ऊ लोग इस सब चीज से अलग होके के प्रतिज्ञा लेवेला और इस सब खराब आदत के छोड़ देवेला, जौन की तथागत बुद्ध के तरफ से दिहल गई पांचवा सील के अनुसार रहल है, जेकरा की सूरा मेरा मज पमादत ठाना वेर मनी सिक्खा पदंग समाध्यामी कहल जाला। और एगो बात, ऐसे तो ये चीज हमेशा देखे के मिलबे करेला, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन तनी ज्यादा ही देखे के मिलेला। जैसे कि जितना भी सोशल साइट्स बा उस सब पर कुछ लोग भगवान बुद्ध के कहल गई बात के, उनकर द्वारा बतावल गई पंचशील के, उनकर धर्म के शिक्षा खूब पोस्ट करे लो, खूब लाइक शेयर कमेंट सब हो जाला वही बेरा। लेकिन सोचे ली बात यही बा कि ओमे से ज़्यादातर लोग के भगवान बुद्ध के बतावल गई पंचशील के जानकारी ना रहेला, उनकर बतावल गई धर्म के जानकारी ना रहेला, आ चले ला लो पोस्ट पर पोस्ट करे, अपन फोटो के भगवान बुद्ध के फोटो के साथ एडिट करके आ नीचे खूब शान से लिखे ला लो कि बुद्धम शरणम गच्छामी संगम शरणम गच्छामी। बुद्ध के ज्ञान के, बुद्ध के शिक्षा के, उनकर फोटो के रउआ लोग कहीं भी पोस्ट करी लो, एमे कोनो बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम बुद्ध के बतावल शिक्षा के, उनकर ज्ञान के अपन जीवन में तो उतारी लो कि खाली पोस्ट पर पोस्टे करम लो। खैर और एगो बात, लोग तो ऐसा न हो खेला कि अपने झूठ बोलेला, अपने काम वासना में डूबल रहेला, खुद शराब पिएला, खुद नशा करेला, अपने दारू सारा पी करके नशा में धुत हो करके अपना घर के पूरा माहौल के बिगाड़ के रख देवेला लो, अपना अपना मेहरारू के साथे गाली गलौज करेला लो, उनकरा साथे झगड़ा झंझट करेला लो, मार पीट करेला लो, और एक और बहुत बुरा असर खुद उनकर लोग के बाल बच्चा पर पड़ेला। और जब कहीं समाज में मोहल्ला में कहीं दूसर सारा भी झगड़ा करेला तो इनकर लोग में से कुछ समझदार इंसान निकल के जाके ज्ञान झाड़ेला लो, जाके झगड़ा के शांत करे के कोशिश करेला लो, अब पीछे से चट से ई कह के निकल जाला लो कि ई साला फलानो तो रोज दारू पी के खाली झगड़े करेला। और ऐसा लोग वास्तव में आपन मजाक अपने सोड़वावेला, आपन धजिया अपने सोड़वावेला, और खुद उनकरों लोग के ना पता चलेला कि उनका लोग के कोई मजाक भी बनावता। ठीक वैसा ही जैसे कि शराब पियाली आदमी के खुद ना पता चलेला कि उ शराबी हो गल बा। शराबी दो टाइप के होखेलन लो, एक शराबी होखेला कि शराब पी करके नशा के हालत में रोड पर निकल के तमाशा करे ला लो, गाली गलौज करे ला लो, मार पीट करे ला लो, आ ये चक्कर में कभी कभी बढ़िया से कुटा भी जला लो। और दूसर शराबी जौन होखेला उ शराब पी करके नशा के हालत में घरे में तमाशा करेला, घरे में मार पीट करेला, गाली गलौज करेला और अपने आप के दुनिया के सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा समझदार इंसान समझेला। खुद के पाँचों सील के माने नहीं, अपना जीवन में पालन भी करे नहीं, रउआ लोग बुद्ध के पांचों सील के जानी लो, ओकरा के अपना जीवन में उतारी लो, तबे तो जब रउआ लोग बुद्ध के कोनो ज्ञान के अब से पोस्ट करम लो तो कोई ई सवाल ना कर दे कि अच्छा तो तू बुद्ध के ज्ञान बटे तरह चाहे ज्ञान बटे तरू, एका मतलब कि तुहु शराब ना पिया थुकबा चाहे ना पिया थुकबू, तो ओ टाइम रउआ लोग कॉन्फिडेंस के साथ ई बोल सकी लो कि हाँ हम बुद्ध के माने नहीं, बुद्ध के पांचों सील के माने नहीं और उनकर पांचों सील के अपना जीवन में उतरले बानी और उनकर नियमित रूप से पालन भी करेनी और हाँ हम शराब ना पियनी। और रहल बात तथागत बुद्ध के, तो बुद्ध एकदम सच रला हन, प्राकृतिक रला हन, उनकर तरफ से दिहल गई पंचशील के शिक्षा बिल्कुल शुद्ध बा, एकदम प्राकृतिक बा
और कहे कि प्राकृतिक बा, नेचुरल बा, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल भी बावे, एकदम जीवन में उतारे लायक बा। और झूठ तो झूठ होखेला, मैन्युफैक्चर होखेला, एकदम कृत्रिम होखेला, एकदम बना के बोलल जाला बनावल होखेला, चाहे वो एक झूठा चाहे हजार झूठा, लेकिन सच तो सच होखेला, बिल्कुल शुद्ध होखेला, एकदम प्राकृतिक होखेला। धन्यवाद। Thank you.